हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 8 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज, विस्तार में चर्चा करूँगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस रहते हैं कई न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स को मैं कलेक्ट करके बनाता हूं, इसलिए काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी, पुलिस एग्जाम, तो आप इस करंट अफेयर्स की वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विस्तार से मैं चर्चा करता हूँ, आपका सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जो दिन भर का करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की रेड कलर की बटन होगी, उसमें क्लिक करके साथ में जो बगल में बेल आइकन, उसको भी ऐसे करके ऑन कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह जो है तो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेज़बान भारत के अलावा 8 देशों के विभिन्न रंगमंच समूहों के बच्चे अगले महीने कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बाल थिएटर फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। 8 भाग लेने वाले जो देश हैं दोस्तों, वो हैं फ्रांस, स्लोवेनिया, स्वाजीलैंड, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलंबो में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर है? दोस्तों, कोलंबो में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में जो शीर्ष देश है वो है अपना देश भारत, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत के जूनियर एथलीटों ने तीसरी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के अंतिम दिन देश के खाते में 9 और स्वर्ण पदक जोड़े हैं। भारत 7 देशों की इस प्रतियोगिता में 20 स्वर्ण, 22 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। मेजबान श्रीलंका 12 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य के साथ दूसरे और पाकिस्तान 1 रजत 1 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है। तो कोलंबो में जो दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है, उसमें शीर्ष देश जो है तो भारत है, ठीक है, इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रांड प्री प्रतियोगिता में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2, ठीक है। लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रांड प्री प्रतियोगिता में भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के निशानेबाज गगन नारंग और पूजा घाटकर ने चेक गणराज्य के पिल्सेन में लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रांड प्री प्रतियोगिता में 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। श्रीनिवेथा परमानंथम और अमनप्रीत सिंह ने 775 अंकों के साथ मिक्स्ड एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। तो लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रांड प्री प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? 2 रजत पदक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अबू धाबी ओपन स्क्वायर खिताब जीता है। तो दोस्तों, वो भारतीय खिलाड़ी जो अबू धाबी में ओपन स्क्वायर खिताब जीता है, उसका नाम है रमित टंडन जी, ठीक है, रमित टंडन जी। देखिए दोस्तों, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी रमित टंडन ने अबू धाबी में ओपन में मिस्र के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ओमार अब्देल मुइगित को हराकर पेशेवर स्क्वैश संघ द्वारा टूर का तीसरा खिताब जीता है। टूर्नामेंट में तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में 65वें स्थान पर, विश्व रैंकिंग में 41वें पर काबिज खिलाड़ी को 1 घंटे तक चले फाइनल मुकाबले में हरा दिया है, ठीक है। तो उस भारतीय खिलाड़ी का नाम जिन्होंने अबू धाबी ओपन स्क्वायर खिताब जीता है, रमित टंडन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6 मई को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस किस वर्ष से सबसे पहली बार मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व हास्य दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था 1998 में मनाया गया था। देखिए दोस्तों, विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6 मई को मनाया गया और विश्व हास्य दिवस को वर्ष 1998 में दुनिया भर में हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने। तो ये भी फैक्ट आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन डी और बच्चों के आजीवन स्वास्थ्य के लिए उसके स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस शहर में नून असेंबली पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों, विटामिन डी और बच्चों का आजीवन स्वास्थ्य के लिए उसके स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है तो नई दिल्ली में नून असेंबली पहल शुरू की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, पूर्वी दिल्ली के ज्ञात स्कूलों में से एक विटामिन डी और बच्चों का आजीवन स्वास्थ्य के लिए इसके स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष नून असेंबली पहल आयोजित की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 2018 में वार्षिक
ONV साहित्य पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए MT वासुदेवन नायर। ठीक है, MT वासुदेवन नायर। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर ने इस वर्ष का ONV साहित्य पुरस्कार जीता है। पुरस्कार की स्थापना प्रख्यात दिवंगत कवि ONV कुरूप की स्मृति में की गई थी। ठीक है, नायर को यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार की शुरुआत ONV सांस्कृतिक अकादमी ने की थी। तो 2018 का वार्षिक ONV साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? MT वासुदेवन नायर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में टून्ज एनिमेशन मास्टर शिखर सम्मेलन 2018 का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो टून्ज एनिमेशन मास्टर शिखर सम्मेलन 2018 का 19वां संस्करण दोस्तों केरल में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? केरल में। देखिए दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में टून्ज एनिमेशन मास्टर शिखर सम्मेलन 2018 का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो कल की क्विज का उत्तर है, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किस राज्य में गो टू विलेज मिशन लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था। इसका सही उत्तर है मणिपुर में जो है तो गो टू विलेज मिशन लॉन्च हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो आज की क्विज का सवाल है दोस्तों वो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले CM बने हैं? तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, मणिपुर, सिक्किम, कर्नाटक, असम। आपको कमेंट करके जरूर बताना है सभी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।